नमस्कार, आप सभी को आलू न्यूज स्टूडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग आए बको मार्केट, फिश मार्केट में है। तो ये बोगदो में है। यहाँ जितना भी यहाँ का पब्लिक है, आलू का पब्लिक है, ऐसे कंप्लेंट आए कि यहाँ का जो होलसेलर है, आप जो डीसी रेट दिया था वो फॉलो नहीं किया जा रहा है प्राइस को लेके। ये यहाँ का मार्केट सेक्रेटरी साहब से हम लोग कुछ यहाँ का प्राइस के बारे में कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, सबसे पहला मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम जुम्पे कमुम है। तो एक्चुअली जो है हम लोगों का इधर में ये 280 का रेट दिया है ना मार्केट में, जो है 280 का रेट दिया है। ये डीसी मार्केट का और डीसी का जो रेट है 280 है, तो उस रेट को हम लोग भी मानते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि सबसे पहला ये है कि इसमें ऐसा है कि हम लोगों को जलाना पड़ता है कि नहीं। 280 का रेट में लेके उसको हम लोग जलाना पड़ता है, फिर उसके बाद में छीलना पड़ता है, काफ़ी मेहनत होता है इसमें भी। तो उस बीच में भी उस चीज़ को भी आप लोग भी और उसके बाद में हम लोगों का जो कस्टमर है वो भी समझ देना है चीज़ को। तो अभी जैसे कि देखिए श्योर मीट का आपका पोर्क का जो है 420, तो लगा रहा है 450। तो उस मतलब ये होता है, मतलब उसमें जो भी होता है आप लोग भी समझ देना है कि मतलब इसमें कितना मेहनत होता है कितना। तो जबकि देखिए हम लोगों का इसमें ऐसा है कि आपका चिकन का 280 दिया है, तो उसको हम लोग सफ़ा करता है और उसके बाद में उसको ड्रेसिंग करना पड़ता है और उसका जलाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो ये सब चीज़ को भी आप ये पब्लिक जो है वो सब चीज़ को भी समझ देना चाहिए आपके, मैं सोचता हूँ। और स्पेशली डीसी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 280 रेट में जो है हम लोग को बिल्कुल नहीं आता है। तो उसको भी आप लोग भी समझ देना है। मैं आम पब्लिक लोग को भी थोड़ा इस टीवी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा अंडरस्टैंड थोड़ा मतलब समझदार कर लीजिए ये सब चीज़ में भी। तो इसको भी आप तो सर ये जब डीसी को वहाँ पे मीटिंग किया जा रहा था तो उसमें आप प्रेजेंट था उस वक्त? हम भी मतलब इत्तेफाक से हम प्रेजेंट नहीं था। हम मेरा ये बेटी के लिए पासीघाट गया हुआ था कुछ इमरजेंसी मेडिकल केस में, तो हम प्रेसिडेंट को हम बोला था जाओ बोल के। तो उसमें जितना भी आलोक मार्केट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और जितना भी होलसेलर वो सब वहाँ में जब मीटिंग किया जा रहा था, और जितना भी स्टूडेंट लीडर है यूनियन है उन सभी वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट किया गया था डीसी का द्वारा, तो मार्केट प्राइस को लेके, तो वहाँ में जितना भी आया था उन सभी मार्केट प्राइस को लेके डिस्कस करके ये मार्केट प्राइस निकला, इतना मार्केट में होना है बोल के, बजट को देख के इतना होना है बोल के ये मार्केट प्राइस निकले ना। तो इसको बनाने के बाद भी आप लोग क्यों बोलो नहीं कराए, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं था। आप उस समय प्रेजेंट होने से आपका भी ओपिनियन उसमें देना था, लेकिन आप प्रेजेंट अचानक से प्रेजेंट नहीं हुआ, आपका प्रेसिडेंट प्रेजेंट हुआ है। होने के बाद भी ये प्राइस निकालने के बाद भी आप लोग ये बको मार्केट में आप लोग डीसी ऑर्डर को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? नहीं, डीसी का जो फॉलो नहीं कर रहा है वो बात नहीं है, डीसी का भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रेस्पेक्ट रखते हुए उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को है हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक दो रुपया के लिए हम लोग रेट बढ़ाए हैं ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपया बढ़ाए। उसमें भी देखिए आपका होल सेल में हम लोग लेता है 200 में, तो वहाँ में हम लोग निकलते इतना सारा सामान निकल जाता है वहाँ से, पैर को अलग करना पड़ता है, माथा अलग करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ को भी हम लोग झेल रहे मतलब चीज़ को। तो वो सब आप जो यहाँ डीसी के ऑर्डर में 190 लिखा है, आप भी मालूम होता होगा, आप मार्केट सेक्रेटरी है, तो आप मतलब जो भी रूल आप रूल एंड रेगुलेशन निकलता है तो आप उसको फॉलो करेगा नहीं करेगा आपका तरफ से? हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं। आप फॉलो कर रहे हैं तो ये तो आप इसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी मार्केट प्राइस निकला है? नहीं नहीं, फॉलो नहीं मतलब फॉलो नहीं कर रहा बात नहीं है, फॉलो तो कर रहा है। तो अभी देखिए जैसे 300 बोल रहे हैं हम लोग ना, तो उसको तो फॉलो नहीं कर रहा है वो बात नहीं है। अगर जो कस्टमर आता है वो बोलेगा कि नहीं 280 में दो, हम लोग दे दे, ऑब्वियसली हम लोग दे देते हैं वो सब चीज़ को, हम उसको मना नहीं करते हैं। लेकिन उसको हम लोग बोल देते हैं कि होगा ठीक है, हम लोग नहीं जला देगा, तो कस्टमर बोलता होगा मत जला दो, ऐसे दे दो, बोल हम 280 में दे देते हैं उसको। तो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे बात नहीं है, फॉलो तो कर रहा है। जो कस्टमर आता है बोलता है नहीं 280 का रेट में ये आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन रेट जो है 280 है, तो हम लोग 280 में दे देते हैं, लेकिन उसको हम लोग नहीं जलाते हैं। तो कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और पीस भी नहीं कर देते हैं ऐसा करके, और सॉरी पीस कर देते हैं लेकिन नहीं जला देते हैं। मतलब 300 उठ जाना था, लेकिन सभी मार्केट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितना है सब एक साथ बैठ के गैस जलाने से भी, गैस में जलाने से भी 280 बोल के हमें फिक्स करके रखा है। तो आप लोग उसको गैस ऐसे ऐसे है बोल के आप लोग फिर एक्स्ट्रा 20 रुपीज लगा रहा है, 300 लगा रहा है ना, और होलसेल में भी 190 है लेकिन उसको 200 बिक्री कर रहा है, तो ये लीगल है ना इलीगल है आपका तरफ से बोल के? नहीं, ये तो
मैं यहाँ का सेक्रेटरी होने के नाते ये तो लीगल है इलीगल है उसको भी अभी हम नहीं बोलते, क्योंकि कारण जो है आपका मार्केट का कोई भी जगह में देखिए सब 200 में बेच रहा है ना होलसेल में। होलसेल में अभी हम तो कहीं कहीं होलसेल में जाके देखा है तो वो लोग 190 में ही दे रहा है, वो लोग हम इवन केस में मेमो तक भी देखा है यहाँ पे, हम लोग 190 डीसी के ऑर्डर में हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो 190 में ही दे रहा है बोल के हमको इवन सबूत मतलब सबूत का साथ दिखा है। तब तो वो तो यहाँ का होलसेल डीलर तो हम नहीं है, यहाँ का तो सिर्फ इधर का जितना देख रेख है उसको हम देख रहे हैं, लेकिन डीलर तो हम नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो है 200 में दे रहा है इधर में होलसेल में 200 में दे रहा है, उसका मुताबिक से जो है हम लोग 10 रुपये बढ़ाया है, जबकि 200 का ये 190 अगर उधर दे रहा है तो वो उधर दे रहा है तो वो लोग क्या कर रहा है वो लोग 280 में दे रहा होगा शायद, लेकिन हम लोग इसमें 200 करके जस्ट हमें 200 रुपये बढ़ाया है इसमें होलसेल का रेट के मुताबिक में केवल सिर्फ 10 रुपये बढ़ाया है। तो आप चिकन ब्रॉयलर को लेके जितना भी आपका कस्टमर है उन सभी ने एक कंप्लेंट दिया है होलसेल डीसी का ऑर्डर में नहीं दे रहा है बोल के, तो आपके यहाँ पे क्या डीसी का ऑर्डर में दे रहे हैं ना आपका रेट में दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो पहले से जो डीसी रेट बनाया 190 वही रेट में चल रहा है अभी तक, होलसेल रेट डीसी जो 190 दिया ना वही 190 रेट में चल रहा है। हम लोग जब आते हैं विजिट करने आते हैं चेक करने आते हैं तब जितना भी सिर्फ आप नहीं है तो जितना भी होलसेलर है और दुकानदार है उन सभी अपना सही रेट में बताता है, तो आपके हम लोग आज यहाँ पे चेक करने आए तो आप सही रेट में बता रहे देसी गोदाम में ना जी, तो क्या आप लोग कैश मेमो दिखा सकते हैं कि ये वीडियो को जितना भी पब्लिक देख रहे हैं उन सभी को भरोसा दिलाने के लिए आपका हम 190 से ही दे रहे हैं, तो आप कैश मेमो दिखा सकते हैं जी? अभी अब वहाँ ही पूरा देख सकता है आप, अभी चेक कर सकते हैं वाउचर, वहाँ में पूरा कस्टमर का वाउचर रखा हुआ है, वहाँ में रेट को भी आप मार के देख सकते हैं 190 रेट निकलेगा, और उससे कभी कभी 190 रेट देने से भी 10-20 रुपये और भी कम में गिर जाता है इसे दे देते हैं। ये देखिए आप लोग, ये केजी है, ये रेट है, आप लोग मार के निकालने से भी ये इतना ही प्राइस में निकलेगा, 190 में निकलेगा।